अस्सलाम वालेकुम टू माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं के साथ मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ पहले से। और यहाँ पे आज बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग अंदाज़ की रेसिपी बनने वाली है, जिसको मैंने नाम दिया है देसी चाइनीज़, या तो आप बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो फुल देसी चाइनीज़। क्योंकि मैं जो है बनाना कुछ और जा रही थी और फिर मैंने इसमें कुछ एडिशन कर दी चीज़ों की, कुछ माइनस कर दी चीज़ों की, और बस ये बन गई हमारी देसी चाइनीज़। तो यहाँ पे मैंने रैंडम सा जो है ना मोटा मोटा सा प्याज को चॉप कर लिया, बहुत ही रैंडम चॉप किया है। एक मीडियम अनियन था ये हमारे पास, और यहाँ पर मैंने उसको पिंक होने के लिए छोड़ दिया। और फ़ोन ना बोले वॉइस ओवर के टाइम, तो ये तो नामुमकिन है, फ़ोन का तो बोलना होता है। तो बस यहाँ पे वो हो रहा था पिंक, और जो है मैं साथ साथ और वेजिटेबल की कटिंग कर रही थी, इसलिए आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही। और जो है बस उसके बाद हमने काटा था टमाटर को क्यूब में, और शिमला मिर्च, और जो है यहाँ पे फैमिली मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना। आप लोग कमेंट्स में बताना आप लोगों को कैसी लगी, और ये मैंने ख़ुद लगाई थी। तो अच्छा, यहाँ पे हमने गार्लिक चिली सॉस ले लिया, और जैसे मैंने बताया कि तैयारी कुछ और थी पर ये बन गई, और बहुत ही लाजवाब टेस्ट था इसको जब हमने खाया। तो मैंने बोला वाह भाई वाह, इसको जो है ना देसी चाइनीज़ का नाम दे के एक न्यू रेसिपी शेयर कर देती हूँ प्यारी सी फैमिली के साथ, कि जिसके घर में थोड़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो भाई हम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं बना सकते, तो हम न्यू बना लें। और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है एक बड़ा टेबलस्पून भर के, ठीक है। और चिकन ऐड कर दी थी, और प्याज को देख लो मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, आपको कहीं कहीं नज़र आ रहा होगा। हमने इसको ट्रांसलूसेंट पिंक किया था, बस जैसे जो हल्का पीची पिंक कलर आते हैं ना, बस उस तरह पिंक करके चिकन शामिल की, उसमें एक टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का। तो बस फैमिली अब इसको जो है ना मैं इस लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से पिंक करेंगे, ताकि उसका एक अरोमा, एक बहुत अच्छी सी खुशबू चिकन के अंदर आ जाए, और चिकन की जो एक स्मेल सी होती है हल्की सी, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। यही वो स्टेज होता है फैमिली कि जब अक्सर कहीं ना कहीं कंप्लेंस आ रही होती हैं कि जब पूरा खाना बन गया फिर भी एक हल्की सी चिकन की महक सी जो आप लोगों को रहती है, तो ये वो वाला स्टेज होता है जब आपको इसको अच्छी तरह भूनना होता है, तो यहाँ पे वो आपकी कंप्लेन ख़त्म हो जाएगी। तो जी फैमिली, यहाँ पर आ गया ज़बरदस्त सा ट्विस्ट, जो कि देसी चाइनीज़ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मेरी प्रिंसेस यहाँ बहुत रोने लग गई, मैं नहीं खाना खाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, और 100 ड्रामे शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि इससे पहले घर का माहौल ख़राब हो और सिर्फ खाने के पीछे, तो कोई बात नहीं है, खाने को ही चेंज कर लो। तो मैंने उसमें उसके लिए आलू शामिल कर दिए, तो इसलिए फैमिली हमने इसको देसी चाइनीज़ का नाम दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने जो चाइनीज़ की मटर थी, फ्रोज़न थी मेरे पास, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च कट की थी, वो भी डाल दी। और फैमिली ऐसा होता है, आप लोग कमेंट में लिखना आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है कभी, कि जब आप लोग इस तरह कुकिंग कर रहे हो और बच्चे बीच में जो है ना टांग अड़ा देते हैं कि हम तो ये नहीं खाएंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, और फिर आप एज अ मदर, ऐसा घर को लेके चलने के लिए आप उस चीज़ को ही चेंज आउट कर देते हो कि भाई ठीक है माहौल ख़राब नहीं हो, खाने की खैर है। तो फैमिली ये भी बहुत अच्छा था, कोई इतना ज़्यादा फ्लेवर का फ़र्क नहीं था, क्योंकि बाकी सब चीज़ें मैंने यहाँ पर वही सब ऐड की थी। और यहाँ पे देखो 3 टेबलस्पून जितना मैंने चिली गार्लिक सॉस शामिल किया था इसमें, ठीक है। ये जो मैंने तो अपने आइडिया के मुताबिक डाला था, पर ये अगर आप लोग पूछोगे तो 3 टेबलस्पून, ठीक है, मैं ये लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग परेशान नहीं होना।
और यहाँ पर अब हम शामिल कर रहे थे इसके अंदर हॉट सराशा सॉस, और ये सूरी कंपनी की थी, और ये आप बहुत इजीली अच्छे थोड़े ब्रांड से ले सकते हैं, इम्तियाज से, मेट्रो स्टोर से, चेस से, अब तो हर जगह थोड़ा अवेलेबल है, तो ये बहुत बहुत अच्छी है जो स्पाइसी लवर्स हैं तो ओहो हो सुपर यमी। और सारा कमाल ही सॉस ने दिखाया था, और यहाँ पे हमने ये 2 टेबलस्पून जितना शामिल किया था इसके अंदर, ठीक है। और बस यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे 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 ताकि ये अच्छा फ्लेवर निकाले, और बहुत ज़्यादा वैसे नहीं भूना था पर थोड़ा बहुत भूना था इसको हमने। और अब हम इसमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपने स्पाइसेस, तो स्पाइसेस में यहाँ पे डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर, और जैसा कि आप लोग कहेंगे अल्लाह ये तो देसी मसाले जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फैमिली यहाँ ब्लैक पेपर डाला था इसीलिए तो मैंने इसका नाम देसी चाइनीज़ कह दिया। सॉल्ट और जो है ज़ीरा थोड़ा सा शामिल, थोड़ा सा डाला था बिल्कुल 2 पिंच जितना। और बस ये सब मसाले डालने के बाद इसको हमने बनाई की थी इसकी, भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। और फैमिली यहाँ पर मुझे आज आप सबको बहुत 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 सारा थैंक यू कहना था, आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, कमेंट्स में इतनी सारी दुआएं होती हैं, इतनी सारी दुआएं होती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई अपनों को भी इतनी सारी दुआएं देता हो। मुझे लगा था कि ना मैंने अपने दिल से शेयर किया था फैमिली आप सबसे अपनी प्रॉब्लम और जो लाइफ की रूटीन चल रही थी, अब मैं कुछ हट के तो नहीं दिखा सकती कि जो नहीं हो रहा वो दिखाना शुरू कर दूँ और जो हो रहा है वो नहीं बताऊँ, तो डेली व्लॉगिंग का मकसद ही यही था कि जो चीज़ हो रही है वो बताती रहूँ। तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर था कि लोग जो है ना मतलब ऐसा कहेंगे, या जैसे बैड कमेंट्स हम सुनते हैं कि उस तरह के कमेंट्स होंगे, या मतलब क्यों शेयर कर रहे हो, या बस मेडिसिन ही बताते हो, या यही बात करते हो, तो ये डर मेरे दिल में था। पर आप सब ने इतना प्यार दिया, इतनी सारी दुआएं दी मेरी, इसीलिए तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ मेरी प्यारी JKD फैमिली, तो आप सबके लिए भी मेरे पूरे दिल से बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार और दिल की गहराइयों से बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबके घरों को भी खुशियों से भरा रखें, हर परेशानी से दूर रखें, और कभी भी कोई बीमार ना हो, कोई परेशानी ना हो, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने इतनी चाहत से, आप यकीन करें मुझे इंस्टाग्राम पे 2-3 पर्सनल मैसेज आए, व्हाट्सएप पे मेरी 1-2 से बात हुई जिन्होंने मेरी तबीयत का पूछा, और बार बार मुझे रेमेडीज़ बता रहे थे, बहुत सारे टोटके बता रहे थे आप ऐसा कर लो, प्लेटलेट्स के लिए आप ये चीज़ कर लें, इस चीज़ के लिए आप ये कर लें, नींद नहीं आ रही आप ये कर लो, तो इतना अच्छा लग रहा था कि लग रहा ही नहीं था कि आप लोग मुझसे अलग हो, मुझसे दूरी पर हो, ऐसा लग रहा था कि दिल के बहुत पास बहुत करीब हो। तो आप सबका तहे दिल से बहुत 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 सारा शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें, आमीन। तो बस ये फैमिली यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से बनाई हो चुकी थी, और उसके बाद आप सबके लिए ये बहुत प्यारा सा प्यार। फैमिली सॉरी मैं कल आप लोगों से शेयर करना भूल गई थी, अचानक बस मेहमान आ गए थे तो उसका फाइनल जो है ना आप लोगों को दिखाना रह गया था, तो बस ये लेफ्ट ओवर था, अभी प्रिंसेस को गर्म करके दे रही थी तो मुझे जल्दी से याद आया कि मैं फाइनल तो दिखा दूँ। तो जो हमने कुक किया था देखो ये बचा है बस, और ये राइस बचे थे, तो अभी प्रिंसेस आई थी, आज उसका फाइनली लास्ट पेपर था तो फिनिश हो गया, जान छूट गई, अब सकून सकून हो जाएगा। तो बस जी यहाँ पर जो है ना मैं उसको गर्म करके दे रही हूँ, और फैमिली बहुत बहुत अच्छा बना था, आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना सही बचा है, तो बस इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक देना कि आप लोगों ने रेसिपी ट्राई की, आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई, और ये रहे राइस तो जैसे इसको खाने ले लो आकर, आप लोग भी खा लो हमारे साथ। तो देखो ये देख रहे हो, ये हालांकि अभी बताऊँ ठंडा है, मैंने ना अभी फ्रिज से निकाला है, पर इसका टेक्सचर चेक करो, ठंडा होने के बावजूद जो हमने इसमें सॉसेस का यूज़ किया था ना उसने इतना अच्छा अरोमा दिया, इतना अच्छा फ्लेवर निकला है ना, लाजवाब बहुत अच्छा है।
ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।